चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेशन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रिलेशन है 3x-y=0, और x और y दोनों ही इसके एलिमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। इसने बोला है कि रिलेशन इज़ ऑन ए, तो इसका मतलब x और y दोनों ही ए के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आई कैन राइट y=3x। तो रिलेशन क्या बनेगा, अब मैं अगर x को 1 लूँगा तो y 3 आएगा, x की जगह पे 2 डालेंगे तो y मेरा 6 आएगा, x की जगह 3 डालेंगे तो y 9 आएगा, 4 डालेंगे तो 12 आएगा। 5 के लिए हम नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर x में 5 लेता हूँ तो y मेरा 15 आएगा, और 15 जो है a में बिलोंग नहीं करता है इसलिए, ठीक है जी। तो इसलिए ये मेरे पास रिलेशन आया। अब इसमें मुझे बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप चेक करो इसमें 1 1, 2 2, सो ऑन, डज नॉट बिलोंग टू R, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये इसका आंसर देंगे आप, ठीक है। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट पॉइंट, ये क्या था, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो 1 3 है तो 3 1 इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 1 3 रिलेशन में बिलोंग करता है, बट इसका रिवर्स 3 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी। आ रहा है सबको समझ, आप लोग अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर लेना। तो ये सिमेट्रिक हमने डिस्कस कर लिया। फिर ट्रांजिटिव के लिए देखो हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमने जो निकाला है इसमें क्या रिजल्ट है, 1 is related to 3 एंड 3 is related to 9, लेकिन 1 9 क्वेश्चन में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 3 एंड 3 9 जो है वो रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, दे आर फॉर नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है जी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो क्योंकि ये रिलेशन बहुत छोटा बन रहा है, आप देखो इस रिलेशन में हमने कितने एलिमेंट्स बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, क्योंकि ये रिलेशन बहुत छोटा है, तो आप रिलेशन बना के इजीली बता सकते हैं। लेकिन कहीं पर अगर रिलेशन बहुत बड़ा बन रहा है तो हम जर्नल या एग्ज़ाम्पल से हम सपोर्ट करके बताएंगे, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में भी बहुत छोटा बनेगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला एक्स क्या है, एक्स है 4 से लेस, नेचुरल नंबर जो कि 4 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन क्या है, वाई है x+5, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या 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 हो सकती हैं, 1 2 और 3 हो सकती हैं, तो ये भी बहुत छोटा बनेगा। तो इसके लिए अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा, इसके लिए रिलेशन बन गया 1, तो x की जगह 1 डालेंगे तो y 6 हो गया, x की जगह 2 डालेंगे तो y 7 हो गया, 3 डालेंगे तो y 8 हो गया, बस ये रिलेशन है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो 1 1, 2 2, सो ऑन रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। फिर सिमेट्रिक की बात करो, 1 6 है तो 6 1 उसका रिवर्स नहीं है, 1 6 बिलोंग करता है रिलेशन में, बट उसका रिवर्स 6 1 रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक। फिर ऐसे ही ट्रांजिटिव, आप बता सकता है आप में से कोई ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, बोलो जी, तुम में से कोई बोलो ट्रांजिटिव है क्या, है, क्यों है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो 1 6 के साथ रिलेटेड है तो 6 आगे किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है, 2 7 के साथ रिलेटेड है लेकिन 7 किसी और के साथ नहीं है,
थ्री एट के साथ है, तो एट किसी और के साथ नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो हम बोलेंगे इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ध्यान देना, जो नोट लिखाया था बस उसी पे बेसिस पे है ये। रीज़न आप चाहें तो लिख लीजिए, सिंस 16 बिलोंग्स टू आर बट 6 इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। तो ये सिर्फ एक के लिए मैंने लिया है, ऐसे ही वी कैन राइट फॉर 2, 7 एंड 3, 8, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, हो गया, डन हो गया, आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन हम इसको ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बोला शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट आर। आर क्या है? आर इज रियल नंबर। यहाँ पर सेट आर का मतलब रियल नंबर है, ठीक है। यानी ए और बी जो हैं, इसका मतलब ये है ए और बी दोनों ही किसके एलिमेंट है? रियल नंबर के, रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं सारे नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, इसको हम रियल नंबर बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? फ्रैक्शंस भी आते हैं, ठीक है, अंडर रूट वाली टर्म्स भी आती हैं, नेचुरल नंबर्स भी सारे इसमें आ जाते हैं। या इनफैक्ट अगर नेचुरल नंबर की जगह हम इंटीजर्स बोलें तो बेटर रहेगा, इंटीजर्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अगर मुझे बोलना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मुझे एग्जांपल देके सपोर्ट करना है इसको। तो रिलेशन क्या है? ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। जैसे अगर मैं सपोज़ 1, 1 ले लूँगा तो 1, 1 के लिए सेटिस्फाई होगा कि 1 छोटा है 1 के स्क्वायर से, ऑब्वियसली छोटा है या इक्वल है। ऐसे 2, 2 ले लूँगा तो उसके लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो इसमें ध्यान रखना है, आपको एक फ्रैक्शन लेना है फॉर 1/2, 1/2, क्योंकि 1/2, 1/2 भी रियल नंबर का पार्ट है। अभी हमने बोला रियल नंबर में क्या था? फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्रैक्शन लेना है एग्जांपल के तौर पे। अगर अदर देन फ्रैक्शन आपने ये ले लिया तो वो सेटिस्फाई करेगा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए कैसे होगा? 1/2 छोटा है 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 से, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 1/2, 1/2 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर। तो रिलेशन में नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारा आंसर है जी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हम सिमेट्रिक का एग्जांपल ले लेते हैं। सिमेट्रिक का एग्जांपल लेना तो फिर भी इजी है काफ़ी। कैसे? जैसे मैंने बोला फॉर 1, 2, तो 1 छोटा है 2 के स्क्वायर से, ऑब्वियसली ट्रू है, ठीक है ना। बट अब इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या होगा? 2 छोटा है 1 के स्क्वायर से, तो ये क्या होगा? दैट विल बी नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी। सिमेट्रिक का एग्जांपल काफ़ी इजी है। अब ऐसे ही हमें ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल बनाना है। तो ट्रांजिटिव के एग्जांपल के लिए आप क्या करिए, जैसे मैंने बोला ट्रांजिटिव में सबसे पहले क्या होता है? हम बोलते हैं ए बी एंड बी सी रिलेशन में है, ये हम बोलते हैं।
तो इसमें पहले आप बी को आप देख लो, बी क्या ले रहे हो। सपोज मैंने बी को ले लिया 4, ठीक है, पहले बी लिया, ध्यान दीजिएगा। तो बी मैंने 4 लिया, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर मैंने बोला 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। तो 16 के आसपास कोई, 16 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए, 16 से छोटा कोई नंबर हम ए ले लेंगे, 15 ले लिया। सबको समझ में आया हमने क्या किया, पहले मैंने बी एज्यूम किया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 से छोटा कोई नंबर ले लिया 15, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 15 छोटा है 4 के स्क्वायर यानी 16 से। फिर मैंने बोला 4 और 3 ले लिया, तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है क्या, 4 का स्क्वायर अब क्या होगा, अब होगा इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4, तो ऑब्वियसली 4 छोटा है 3 के स्क्वायर से, ठीक है जी। तो ये दोनों वैलिड है, लेकिन बट 15 छोटा है 3 के स्क्वायर से, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है जी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 15.3 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा आंसर आया इसका, ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है। मैं फिर से एक बार एक एग्ज़ाम्पल चलो और मैं लेकर के आपको बताता हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि आपने करना क्या है। मैंने बोला ट्रांजिटिव के लिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, तो पहले b हम ले लेते हैं, b को सपोज़ मैंने ले लिया से 6 ले लिया, तो रिलेशन क्या है, a लेस देन b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी क्या हो गया, a लेस देन 6 का स्क्वायर। तो अब मैं 6 का स्क्वायर कितना आएगा, दैट विल बी 36, तो 36 के आसपास एक नंबर छोटा ले लो, a को मैंने ले लिया 35, तो अब मेरा क्या हो गया 35.6, क्योंकि b हमारा 6 है, 35.6, तो ये हो गया ए बी। फिर दूसरा ऐसा ले लो, अब बी सी, बी तो हमें पता ही है 6 है, तो c आप ले लो 6 से कोई भी एक नंबर छोटा 5, तो ये सेटिस्फाई हो रहा क्या, 6 छोटा है 5 के स्क्वायर से, ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगा, लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं आएगा। फिर 35 छोटा है 5 के स्क्वायर से, ये नॉट पॉसिबल आएगा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन का एग्जांपल एज्यूम करने का, ठीक है जी, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन ये है कि x इज ग्रेटर देन y और xy क्या है, xy दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, तब मुझे बताइए ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्राई करिए ज़रा इसको, x इज़ ग्रेटर देन y, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्राई करिए इसको ज़रा फटाफट, और जिसका हो जाएगा मुझको बोलिएगा डन। बोलो जी, हुआ किसी का, ट्रांजिटिव होगा मगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं, ठीक है।
और सिमेट्रिक तो नहीं है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में अगर हम एक्स एक्स जर्नल ही ले लें, कोई एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ फॉर टू टू, टू टू ले लो, टू बड़ा है टू से, नॉट पॉसिबल, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। अपना सोल्यूशन आप लोग वेरीफाई कर लेना, जहाँ पर थोड़ी बहुत एडिटिंग की ज़रूरत होगी एडिटिंग कर लेना। फिर हमने बोला कि मान लिया 3,2 जो है रिलेशन में है, तो 3 तो बड़ा है 2 से, बट 2 बड़ा है 3 से, नॉट पॉसिबल। इसलिए इसका रिवर्स 2,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक हो गया है। दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव तो होगा, क्योंकि अगर हमने बोला एक्स वाई, लेट हमने बोला एक्स वाई, इसके लिए मैं जर्नल ले रहा हूँ, कोई एग्जांपल नहीं लेंगे। एग्जांपल हम वहाँ लेते हैं जहाँ पर मुझे शो करना कि नहीं है, जहाँ पर अगर है तो वहाँ पर मुझे एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जर्नल बनाने की कोशिश करिए, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये बन जाएगा एक्स बड़ा है वाई से, और यहाँ से रिजल्ट आएगा वाई बड़ा है जेड से। तो इन दोनों से अगर हम कंक्लूजन निकालें फ्रॉम 1 एंड 2, हम बोलेंगे कि एक्स बड़ा है जेड से, तो इसका मतलब एक्स जेड जो है बिलोंग करता है आर में, तो यानी आर इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ओके हो गया सभी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसकी तरह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जैसे, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जर्नल बनाइए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव शो करना है, तो इसका मतलब ये जर्नल आप एक्स एक्स से लेकर के चलिए तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स एक्स ले लीजिए, वाई वाई ले लीजिए, तो वो सेटिस्फाई करेगा। बनाइए पहला स्टेप, रिफ्लेक्सिव सबने बना लिया कि नहीं बनाया चेक कर लीजिए फटाफट, फिर मैं सॉल्यूशन करूँगा, आप लोग अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर लेना। आप चाहें तो ए ए ले सकते हैं, तो क्या आएगा, ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है। फॉर ए कॉमा ए, ऐसे हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू ए, तो विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, तो इसलिए ए ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक मुझे बोला है कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप एग्जांपल ले लो, 1 2 सबसे अच्छा एग्जांपल है, 1 2 बिलोंग करेगा लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ऐसे ले लो 1 2, तो ये हो जाएगा 1 छोटा है 2 से, बट 2 छोटा है 1 से, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका उल्टा यानी 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आप जर्नल ले लो, फिर से ए बी बी सी हो जाएगा उसके लिए, लेट अज्यूम कर लेंगे ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो फाइनली इन दोनों से कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि ए छोटा है सी से, दैट मींस ए सी बिलोंग करता है रिलेशन में
एंड आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, एंड ये क्वेश्चन सेम उसकी तरह है जो हमने अभी ऊपर किया, इसकी तरह ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप रिफ्लेक्सिव चेक वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, और बाकी भी होगा शायद सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हाँ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो तीनों के लिए चेक करना है। अच्छा, ये ध्यान रखना, कई बार बोर्ड्स में सिर्फ एक पॉइंट पूछ लेगा कि इसको आप सिर्फ चेक करिए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है तीनों पॉइंट पूछेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि चेक वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट। तो जहाँ पर भी ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जिस भी क्वेश्चन में आप नोट लिख लेना चाहे, तो जिस भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गया, या फिर क्वेश्चन ये आ गया ए लेस देन इक्वल टू बी की पावर 3, तो पावर वाली टर्म आएगी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा पक्का पक्का। ठीक है, अगर MCQ में क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस में आ गया, जैसे ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी कि ये पूछ लिया कि क्या नहीं है सिमेट्रिक, और ऑप्शन सी ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो पक्का पक्का नहीं है। ठीक है, और कैसे नहीं है, ट्रांजिटिव का एग्जांपल कैसे बनेगा, वो मैंने आपको लिखाई दिया है, एक बार इसको कर भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रिलेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो फिर से आप फ्रैक्शन ले लो, फॉर 1/2, 1/2, ये देख लेना ए और बी जो है रियल नंबर बोला है कि नहीं बोला है, क्योंकि फ्रैक्शन तभी चलेगा जब ए और बी रियल नंबर बोला है। ठीक है, इज़ डिफाइंड ऑन आर, कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर है, तो ये हो जाएगा 1/2, छोटा है 1/2 का क्यूब यानी 1/8 से, तो नॉट पॉसिबल, तो इसलिए ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए फिर से वही एग्जांपल, 1/2 सेट है, सभी में फिट हो रहा है वाला, 1 छोटा है 2 के क्यूब से, लेकिन 2 छोटा है 1 के क्यूब से, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2/1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव के लिए हमने बोला, वैसे एग्जांपल ले लीजिए, पहले बी को ले लो आप, बी सपोज़ मैंने 3 लिया, तो बी 3 है तो यहाँ पे बी का क्यूब यानी 27 आएगा। ठीक है, और 27 से एक कम ले लो 26। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 है तो 3 से एक कम ले लो 2, तो ये हो गया 3 छोटा है 2 का क्यूब यानी 8 से, तो दोनों ही ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इसका इसका रिलेशन नहीं आएगा, 26 छोटा है 2 का क्यूब यानी 8 से, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो सेम ये वैसे ही एग्जांपल हमने बनाया जैसे ऊपर वाले हमने एक क्वेश्चन में बनाया था, तो इसलिए 26, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, खत्म। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 सो ऑन टिल 9 एंड आर इज ऑन ए क्रॉस ए, आर मतलब रिलेशन इज ऑन ए क्रॉस ए, और रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ इस तरह से, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ए बी इसको कैसे पढ़ेंगे, ए बी आर का मतलब रिलेटेड टू सी डी, किस तरह से, इफ़ ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग इसमें, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस। आर इज इक्विवेलेंस, और साथ में ये भी बोल देते हैं, ऑल्सो फाइंड
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। ठीक है जी, क्वेश्चन लिख लेना एक बार। तो हम इसको इक्विवेलेंस शो करना है, प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस का मतलब हमने बताया था ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलते हैं, सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक है और ये दो है, दूसरा है, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे समझो जैसे मैं बोलता हूँ ए, हम बोलते हैं ऐसे समझो, ज़रा हम ऐसे बोलते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स एक्स ये लेते हैं। ठीक है जी, तो जब हम एक्स वाई बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई, इसका मतलब ये है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक्स एक्स इस तरह से। तो x का मतलब यहाँ पर क्या है, ये पूरा ही x है मेरा ए बी, ये ध्यान देना, ये पूरा ही मेरा x है और ये पूरा ही मेरा y है। तो जब हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बोलेंगे, फॉर ए बी एंड ए बी। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, x x इसका मतलब क्या है, दिस इज़ x एंड दिस इज़ x, x x। अब ध्यान दीजिए ये आपस पे रिलेटेड कैसे हैं, यहाँ से आगे वाला a, जो आगे वाला एलिमेंट है a किसके साथ सम हो रहा है, d के साथ, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, यानी यहाँ से आगे वाला और यहाँ से पीछे वाला। ठीक है, और यहाँ से पीछे वाला और यहाँ से आगे वाला, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपके पास, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट b प्लस है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे, साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी, वी कैन से कि a प्लस बी और b प्लस a आपस में इक्वल होते ही होते हैं। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, तो इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, फिर से बता रहा हूँ, रिलेशन को ध्यान से देखिएगा, रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारा आगे वाला एलिमेंट प्लस पीछे वाला एलिमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे है पीछे वाला एलिमेंट प्लस आगे वाला एलिमेंट, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये आगे वाला एलिमेंट प्लस पीछे वाला एलिमेंट इक्वल है पीछे वाला एलिमेंट प्लस आगे वाला एलिमेंट, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है जी, अब सिमेट्रिक की हम बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक में हम बोलते हैं एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। तो एक्स का मतलब हमने क्या बोला कि एक्स हमारे पास क्या है, ए बी है, और वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास सी डी है। तो हम ऐसे बोलेंगे, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, पहले ऐसे बोलेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से क्या, आगे वाला एलिमेंट प्लस लास्ट वाला, यानी ए प्लस डी, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है जी, आ रहा है सबको समझ में, तो ये रिलेशन आ गया। अब मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, उल्टा कैसे, पहले बी लिखा, बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस डी, यानी जो राइट हैंड साइड पे था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स मतलब सी को पहले लिखा, सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही है, एडिशन में आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सी डी इज़ रिलेटेड टू ए बी, कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट एंड सेकंड प्लस फर्स्ट। ठीक है जी,
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमने कंक्लूजन दे दिया कि आर एस सिमेट्रिक। आ रहा है समझ में? आरुषि, अपूर्वा, आप लोग बोलो। वैष्णवी, आ रहा है बेटा समझ? ओके फाइन। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हम क्या लेते हैं, ट्रांजिटिव में हम बोलते हैं कि एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई, वाई इज़ रिलेटेड टू जेड, तो रिज़ल्ट आना चाहिए एक्स इज़ रिलेटेड टू जेड, ये रिज़ल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स तो मेरा हो गया ए बी, तो हम बोलते हैं ए बी, लेट हमने एज्यूम किया लेट ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ, एंड फिर ये बी है मतलब ये वाई है, तो ऐसे हो जाएगा सी डी इज रिलेटेड टू, यहाँ पे जेड आएगा तो जेड मैंने ले लिया ई एफ, एक नया एलिमेंट खुद हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ई एफ। तो ये दोनों रिलेटेड हैं तो रिलेशन क्या आएगा, फर्स्ट यानी ए प्लस लास्ट यानी डी, तो ये हो गया एल एच एस, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड यानी बी प्लस फर्स्ट, ठीक है जी, ये आ गया। एंड ऐसे ही यहाँ से आप देख लो, फर्स्ट इज सी एंड लास्ट इज एफ, दैट विल बी एल एच एस, एंड राइट हैंड साइड क्या होगा, आर एच एस विल बी डी प्लस ई, ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गया इन दोनों से। अब आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, वन प्लस टू करेंगे तो वन प्लस टू करने से क्या आएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ये तो मेरा एल एच एस आ गया, और आर एच एस क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये मेरा आर एच एस आ गया। तो अब देखो कौन कौन सी टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो रही है, डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, और सी यहाँ पर भी है, और सी यहाँ पर भी है, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, बच क्या गया, एल एच एस में बच गया ए प्लस एफ इक्वल है बी प्लस ई के, तो दैट मीन्स यहाँ से हम कंक्लूजन बोल देंगे कि ए बी इज़ रिलेटेड टू ई एफ, ए प्लस एफ एल एच एस एंड बी प्लस ई आर एच एस, हो गया प्रूफ। तो दैट मीन्स कंक्लूजन आ गया आर इज ट्रांजिटिव। तो क्योंकि रिलेशन तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फाइनली वी कैन कंक्लूड आर इज इक्विवेलेंस, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया। अब क्वेश्चन ने एक चीज़ और पूछी थी कि 2-5 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए क्या होगा, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास यानी 2-5 किस किस के साथ रिलेटेड है, और रिलेशन मेरा जो था वो है ए, कहाँ से, 1 से लेके 9 तक, तो ये मुझे फॉलो करना है यहाँ पर। तो कैसे होगा, तो इसके लिए हम ऐसे बोलेंगे, लेट हमने मान लिया कि ए बी जो है रिलेटेड है 2-5 के साथ, तो ए बी अगर 2-5 के साथ रिलेटेड है तो फिर से रिलेशन में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट ए प्लस 5, और आर एच एस बनेगा बी प्लस 2, ऐसे बन जाएगा। तो अगर मैं बी को लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो ए माइनस बी मेरा क्या आया, 5 को राइट साइड पे ले जाते हैं 2 माइनस 5, तो ये हो गया ए माइनस बी इज माइनस 3, ठीक है जी। ये ए और बी का रिलेट, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके साथ रिलेटेड होगा। अब देखो अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ, सपोज़ ए अगर 1 है तो बी क्या होगा, ताकि माइनस 3 आए रिज़ल्ट, बोलो जी, ए अगर 1 है तो बी मेरा क्या होगा, या तो यहाँ से आप ऐसे लिख लो बी इक्वल्स टू 3 को इधर ले आओ ए प्लस 3, तो ए अगर 1 है तो बी क्या होगा, 1 प्लस 3 यानी 4, तो 1 4 है जो 2-5 के साथ रिलेटेड है। 1 क्यों लिया मैंने, 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ए जो मुझे दे रखा था वो है 1, 2, 3 से लेके 9 तक, तो इनमें से मैं एलिमेंट लूँगा एक एक करके, तो ए की वैल्यू मैंने 1 डाली तो बी मेरा 4 आ गया, फिर ए का वैल्यू मैं 2 डाल देता हूँ
तो बी मेरा क्या आएगा, बी मेरा 5 आ गया, ये तो इट्सेल्फ दे ही रखा है मुझे, क्वेश्चन में ही दे रखा है। फिर अगर ए को मैं 3 ले लेता हूँ तो बी मेरा क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर ए को अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो बी मेरा 7 आ गया, ए को 5 ले लेते हैं तो बी मेरा 8 आ गया। तो इसके आगे ले लेंगे अगर, चलो हाँ 6 से भी चल जाएगा, 6 ले लेंगे तो 9, इसके आगे नहीं चलेगा। 7 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे फाइनली, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 25 आर, एक हो गया 14, एक हो गया 36, ऐसे सेट बना लीजिए, एक हो गया 47, एक हो गया 58, एक हो गया 69, बस ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, वैष्णवी आ गया? यस सर। चलो ठीक है, ये डन हो गया। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में रिलेशंस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ आप लोग फंक्शंस भी समझ लीजिएगा। फंक्शंस में, फंक्शंस में सबसे पहले कोई भी फंक्शन 1-1 होगा, 1-1 कब होगा इसको आप ऐसे पहले रे डायग्राम से समझो, ऐसे ये है 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। तो 1 के लिए इमेज हो गई 5, 2 के लिए इमेज हो गई 6, 3 के लिए इमेज हो गई 7 और 4 के लिए इमेज हो गई 8। तो हर एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली 1 इमेज है, ठीक है। तो ये आपका 1-1 का एग्जांपल है। तो अगर मुझे सॉल्व करना है कि 1-1 कैसे शो करना है, मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम बोलेंगे इफ़ fx1 इक्वल है fx2 के, तो यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए x1 इक्वल है x2 के। तो अगर x1 और x2 इक्वल हैं तभी ये 1-1 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, दो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल तो ये है कि fx, मैंने बोला fx इज 2x+5 एंड f इज़ फ्रॉम रियल टू रियल, इसका भी मीनिंग समझो। जब ऐसे दे रखा होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं डोमेन, जो आगे वाला है दिस इज़ कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज़ कॉल्ड रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, और रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ fx, फंक्शन की वैल्यू। तो ये मेरा डोमेन है, ठीक है जी, और ये मेरा, ये बेसिकली कहलाता है कोडोमेन, देखो बल्कि इनफैक्ट ये रेंज ना होके दिस इज़ कॉल्ड कोडोमेन, दिस इज़ कॉल्ड कोडोमेन, तो दिस इज़ कोडोमेन। और रेंज क्या है, रेंज ये है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेंज है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर, मुझे, हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल 1-1 की, तो 1-1 के लिए इस क्वेश्चन में आप इस पैटर्न से चलेंगे तो इजी रहेगा। कैसे, हमने बोला लेट fx1 इक्वल है fx2 के, तो यहाँ से fx1 क्या होगा, ये fx है तो fx1 का मतलब हो जाएगा 2x1+5, ये fx1 हो गया, और fx2 क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा x की जगह पे x2 डल जाएगा, बस सिंपली 2x2+5, ये हो गया fx2। तो 5 से 5 मेरा कैंसिल आउट हो गया, बच के आ गया 2x1, और राइट साइड पे क्या बच गया, 2x2, ये बच गया। तो 2 से फिर 2 कट जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, x1=x2। तो x1=x2 आ रहा है, इसलिए आई विल से कि f is 1-1, देयरफॉर f is 1-1, ठीक है जी। एक एग्जांपल तो ये मैंने लिया,
ये जो एग्जांपल था इसमें क्या था, दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी एक्स की जो पावर थी वन थी। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला एफ एक्स इज, इसी की जगह मैं कह देता हूँ 2x² + 5 एंड अगेन एफ इज फ्रॉम रियल टू रियल, यानी डोमेन रियल है, कोडोमेन भी रियल है। तो अब मैं अगर इसमें 1 1 चेक करूँगा तो क्या लेंगे, एफ एक्स 1 = FX2 ये लेंगे पहले। तो एफ एक्स 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2x1 की पावर 2 + 5 और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 2x2 की पावर 2 + 5 ऐसे आ जाएगा। यानी सिंपली हमने x की जगह x1 डाला एक बार और एक बार x की जगह हमने x2 डाल लिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 मेरा कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया, 2x1 का स्क्वायर = 2x2 का स्क्वायर ये बच गया जी। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर हटाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस आता है एक तरफ, तो यहाँ से हम क्या आएगा, अगर मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ तो x1 = +−x2 आ गया, ठीक है जी। तो क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, ठीक है जी, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पर दो बातें समझो, पहली बात कि प्लस माइनस क्यों आता है, कुछ बच्चों को कई बार ये पता नहीं होता कि हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। ये हमने बोला x1 स्क्वायर तो इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, हमने बोला था x1 स्क्वायर, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, हमने बोला था कि x1 स्क्वायर = x2 के स्क्वायर के। तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे अगर इसको यहाँ ले आए तो x2 का स्क्वायर। अब आप लोग फैमिलियर हैं a² - b² की आइडेंटिटी के साथ, तो वो आइडेंटिटी लगेगी तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 और ये हो जाएगा x1 + x2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या रिजल्ट आया, यहाँ से आ गया x1 - x2 = 0 और दूसरा आया x1 + x2 = 0। तो यानी यहाँ से क्या आया, x1 = x2 के और यहाँ से क्या आया, x1 = −x2 के। तो फाइनली मैं क्या बोलूँगा, x1 = +−x2 के। एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, तो इसलिए प्लस माइनस आता है जब भी आप स्क्वायर हटता है तो एक तरफ हम प्लस माइनस लगाते हैं। दूसरी बात, ये 1 1 क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो बोला अभी, हमने रे डायग्राम से समझाया था, तो इसको भी मैं एक बार रे डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये है 1 2 3 4, ठीक है, और ये है 5 6 7 8। अगर इसकी इमेज मेरे पास 5 है, ठीक है, और इसकी भी इमेज 5 हो गई, तो यहाँ पर दो एलिमेंट की इमेज सेम इमेज आ रही है, तो ये केस है जब 1 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आ रहा है कि दो इमेज आ रही है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस केस में एग्जांपल लूँ, सपोज़ मैंने बोला एक्स मेरे पास 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू 1 के लिए आएगी 2 + 5 यानी कि 7, एक्स की जगह मैंने 1 डाल दिया। फिर मैं कहता हूँ x की वैल्यू मान लिया -1 है, तो अगर मैं -1 डालूँगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी अगेन 2 + 5 = 7। तो यानी क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे x का वैल्यू 1 है और 1 -1 है, तो राइट साइड पे 7, 1 के लिए भी इमेज 7 है, -1 के लिए भी इमेज 7 है, तो इसलिए ये 1 1 नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप इसको रे डायग्राम को भी ध्यान रखो कि अगर दो इमेज, दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जा रही है तो 1 1 का एग्जांपल नहीं होगा, कभी भी 1 1 नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ प्लस माइनस आएगा तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे 1 1 नहीं होगा, जहाँ पे प्लस माइनस आएगा। जैसे मैंने बोला एफ एक्स मेरे पास है सपोज mod(x+9) ये है, एंड अगेन एफ इज फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है। तो हमने बोला लेट एफ एक्स 1 = FX2 के, तो
तो मॉड में भी यही होगा, यहाँ पर एक्स वन डलेगा, मॉड में क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स वन प्लस नाइन, राइट साइड पे एक्स टू डलेगा तो मॉड ऑफ एक्स टू प्लस नाइन, तो नाइन से नाइन कट गया, मॉड ऑफ एक्स वन इक्वल है मॉड ऑफ एक्स टू के। तो मॉडुलस हटेगा तो भी एक तरफ हम प्लस माइनस लगाते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो एक्स वन क्या आ गया, एक्स वन आ गया प्लस माइनस एक्स टू, इसलिए नॉट वन वन, नॉट वन वन। ठीक है, आप चाहें तो इसको अल्टरनेटली इस मेथड से भी कर सकते हैं, एग्जांपल लेकर के अल्टरनेट मेथड। क्या x की जगह मैं वन ले लेता हूँ, x1 हमने बोला, ऐसे लीजिए रुको, x1 को मैंने मान लिया वन है, तो f1 क्या होगा, यहाँ पे मॉड में x की जगह पे वन डल गया, तो वैल्यू सॉल्व होकर के क्या आएगी, नाइन प्लस वन टेन हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस हटेगा तो मॉडुलस हटने से हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। फिर x2 का अगर मैं माइनस वन ले लेता हूँ, तो माइनस वन लेंगे तो एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, मॉडुलस ऑफ माइनस वन, तो अगेन इस बार भी मॉड हटेगा तो इट विल बी पॉजिटिव, तो नाइन प्लस वन फिर से टेन आ गया, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी, एफ वन और एफ ऑफ माइनस वन दोनों इक्वल हैं, लेकिन वन और माइनस वन इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये अंदर वाली टर्म आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए नॉट वन वन। तो ऐसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर क्यूब आ जाए, देखो जहाँ पर भी पावर इवन आ जाएगी, इवन यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर फोर है, एक्स की पावर सिक्स है, एक्स की पावर एट है, जहाँ पर भी पावर इवन आएगी तो प्लस माइनस लगाएंगे लगाएंगे, पक्का पक्का लगेगा, ये ध्यान रखना। या जहाँ पे मॉड आ गया तो भी प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ क्यूब आ गया वहाँ नहीं आता, ये ध्यान रखना। जहाँ पावर ऑड आ गई, ऑड यानी जैसे पावर वन आ गई, थ्री आ गई, फाइव आ गई, लाइक दिस, तो इन केसेस में प्लस माइनस नहीं आएगा, तो वहाँ वन वन होगा। ठीक, अब जैसे ये एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस सिक्स, अगेन एफ इज रियल टू रियल, तो इसमें आपका वन वन आ जाएगा। एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लिखा हमने, तो x की जगह पहले डल गया x1, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब प्लस सिक्स, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, x1 x2 का क्यूब प्लस सिक्स, तो सिक्स से सिक्स कट जाएगा, x1 का क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब हो गया, तो क्यूब से क्यूब हटेगा तो x1 विल बी इक्वल टू x2, तो हम बोलेंगे f इज़ वन वन। ठीक है जी, सिंपल। और अगर मैंने ये पॉइंट, और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने आपका ये चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए मैं ये एग्ज़ाम्पल और ले रहा हूँ, तो इसको भी ध्यान देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर कर, बहुत मैटर करता है कि डोमेन हमें क्या दे रखा है। वन वन के लिए ये बहुत मैटर करेगा कि डोमेन क्या दे रखा है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एफ एक्स मेरे पास है सपोज एक्स स्क्वायर, एंड एफ इज़ फ्रॉम, मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, तो डोमेन क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होने से क्या होगा कि मैंने बोला एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के। ठीक है, पहले अज्यूम किया कि एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के, ये मैंने अज्यूम किया, तो आएगा x1 का स्क्वायर इक्वल है x2 के स्क्वायर के। अब स्क्वायर हटेगा तो हमने बोला था प्लस माइनस लगेगा, तो x1 इक्वल है x2 के, लेकिन x1 हम बोलेंगे नॉट इक्वल है माइनस x2 के। क्यों नहीं है माइनस x2 के, कौन बताएगा, आप में से कोई बता सकता है, बोलो जी, वैष्णवी आप बता सकती हो, कैरलिन आप बोलो। हाँ, क्योंकि x1 और x2 क्या हैं, x1 और x2 नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव में नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है नेगेटिव में, तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता कभी, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा।
तो ये क्या दे रखा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करेगा कि आपको डोमेन क्या दिया हुआ है, उसको आपने ध्यान से देखना है और समझना है। अगर रियल नंबर है तो प्लस माइनस आएगा, इंटीजर है तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर दे दिया, होल नंबर दे दिया, तो प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और देखो, मान लीजिए आपके पास फंक्शन ये आ गया, एफ एक्स इज लाइक दिस, वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। ये मैंने आपको फंक्शन दे दिया, अब आप बताइए ये वन वन होगा या नहीं होगा, तो कैसे देखेंगे इसमें? हाँ, वन वन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो जब हाँ बोलो बोलो, F1 = F2 हो जाएगा, मगर 1 = 2। हाँ, अगर मैं ये कह देता हूँ कि X1 जो है, सपोज़ मैं नंबर 2 ले लेता हूँ और X2 मैं नंबर ले लेता हूँ 3, ये दोनों ही नंबर X1 और X2 दोनों ही बड़े हैं 0 से, ऑब्वियसली 2 भी 0 से बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है, तो FX1 का वैल्यू क्या आएगा? जब 0 से बड़ा है तो वैल्यू, हमने बोला कि फंक्शन का वैल्यू 1 है, और जब 0 से बड़ा है तो अगेन फंक्शन का वैल्यू मेरा 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, FX1 और FX2 तो मेरे इक्वल आ रहे हैं, बट X1 और X2 इक्वल नहीं है, क्योंकि एक X1 2 है और एक X2 मेरा 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको, इसी फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन भी, मतलब ये क्या है, नॉट 1 1। ठीक है, दिस इज़ नॉट 1 1, इसको हम सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। कई बार पेपर में ऐसे भी डिफाइन करके आपसे बोला जा सकता है, मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, ऐसे भी बोल सकता है। इसको इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए भी आप देख लो। मॉडुलस ऑफ एक्स को हम दो फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं, कैसे? अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स मेरा 0 से बड़ा है, तो उस समय मॉड हट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, एक्स ओवर एक्स, तो जो कट के 1 आ गया। ठीक है, यानी ये आ गया 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, फिर 0 है जब एक्स इक्वल टू 0 है, और अगर एक्स लेस देन 0 है उस सिचुएशन में मॉड हटेगा, तो मॉड हट के माइनस लग जाता है, मॉड हट के आगे माइनस लग जाता है, तो ये कट के क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा ये फंक्शन कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, वापस से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखना कि क्या बताया गया है। ठीक है जी, आप लोग इसमें रिलेशंस में बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर लीजिए, शायद मैंने 9 तक दिए थे, तो आप लोग 10th से लेकर के 14 तक, क्वेश्चन नंबर 10th से लेकर के 14 तक ट्राई करिए। अभी फंक्शंस हम और डिस्कस करेंगे, जो आज किया है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, ताकि ये आपका स्ट्रेंथ होता जाए बस।